हाय गाइस, वेलकम टू अवर व्लॉग। तो गाइस, मुझे आपको कुछ दिखाना है। ये देखिए मेरी डॉल कैसे रो रही है, क्योंकि उसको नीचे जाना है, शाम हो गया है और वो अलाउड नहीं है, उसको पिक करती रहेगी। तो इसको अभी ऐसे ही रहना पड़ेगा। पनिशमेंट इज पनिशमेंट। बच्चे को पता होना चाहिए कि हाँ, मैंने कुछ गलत काम किया है, इसलिए जो परमिशन मिली है। देखिए तो, हाँ क्या दे दे बेटू, क्या हाँ? रात होने वाली है। हाँ जल्दी नाइट हो जाओ, जल्दी से रात हो। बहुत मुश्किल से मैंने पेशा को कन्विंस किया है नीचे ना ले जाने के लिए, ना जाने के लिए। लेकिन मैं शाम को इसको, वो वेट कर रही है अपने डैडा का। शाम को मैं, मतलब शाम तो हो गई है, हाथ में मैं उसको ज़रूर लेके जाऊँगी। है ना, बच्चे को ये होता है ना कि हम मम्मा आपने मुझसे झूठ बोला, तो ये सब। तो मैं उसको रात में लेके जाऊँगी। तो बोल रही थी मम्मा मुझे, फिर काफ़ी मुश्किल में चुप हुई, बोली मम्मा मुझे पिज्ज़ा खाना है। तो ये पिज्ज़ा अभी अगर ऑर्डर करते तो आने में काफ़ी टाइम लगता, तो खाना फिर स्किप हो जाता उसका। तो मैंने कहा बेटा पिज्ज़ा की शॉप बहुत रात हो गई, बंद हो गई है। तो फिर मैगी बोला है, तो अभी मैं उसके लिए मैगी बना रही हूँ। ज़्यादा नहीं बनाऊँगी, थोड़ी ही मैगी उसके लिए बनाऊँगी, जिससे कि थोड़ा सा हल्का स्नैक्स टाइप का। क्योंकि 7 बजे मैगी भी खिलाना कोई सही नहीं है, लेकिन अब बच्चा ज़िद कर रहा है, तो हर बात तो हम अपने लिए मनवा सकते हैं ना बच्चे से, तो इस बात तो हमें भी माननी पड़ेगी। इसलिए मैंने हाफ मैगी ही बना ली। बोल दिया है कि मैगी है नहीं है, थोड़ी सी। तो इस तरीके से उसको बहुत ज़्यादा समझाना पड़ता है। आज मेरी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है, बहुत डिस्कम्फर्ट हो रहा है मुझे। आज मैंने दिन में शायद खाना भी नहीं खाया है। इनकी मैगी बन रही है। चलिए गाइस, इनको मैगी बना कर फिर मैं जाऊंगी फेस वॉश करके पूजा करने, फिर उसके खाने में लगना है। मिलते थोड़ी देर बाद। कहते हैं ये होते आन मारे दे उल्टे, ये एरोप्लेन है। एरोप्लेन है, वेरी गुड। तो ये भी आन मारे होते, ये फ्लाई। ये क्या है पिशु, व्हाट इज दिस? हेलीकॉप्टर? नहीं, हेलीकॉप्टर, वेरी गुड। ये स्पेसशिप, स्पेसशिप। दादी सबकी लड़ाई होती है, ये ना बूम निकाल देती है, सबको मार देती। अच्छा अच्छा, ये क्या है, व्हाट इज दिस? ये देखो डमकला है क्या ये? डैडा डैडा ने कहा था ना प्रिशा को बैठाएंगे इस पे। हाँ। क्या है ये? उल्टा पैराशूट। पहले शूट क्या होता है? पैराशूट होता है जिसपे आप एरोप्लेन पे बैठ के पैराशूट को, पैराशूट से आप उसमें अपने आप को टाई कर लोगे और कूद जाओगे। हाँ। इस पेशा को बिल्कुल रिटर्न करना अच्छा ही नहीं लगता है। मैं उसको ओरल चाहे जितना चाहूँ पढ़ा दूँ, लेकिन रिटर्न के लिए मैं उसको बैठा ही नहीं सकती हूँ, क्योंकि उसका थोड़ा सा सिटिंग का प्रॉब्लम है कि वो एक जगह पर 5 मिनट बैठ ही नहीं सकती है। वो रिटर्न बिल्कुल नहीं करना चाहती है, मैं इतना परेशान हो गई हूँ उससे, लेकिन ओरल कर लेती है इजली, रिटर्न नहीं करती। तो अभी मैं उसको यही, इसके बर्थडे पे मैं ये बुक लेकर आई थी, तो वही मैं पढ़ा रही हूँ। क्या बेटू? नहीं, ये रॉकेट है। रॉकेट करके दिस इज अ इंसेक्ट, इंसेक्ट है ना। अच्छा इंसेक्ट, व्हाट इज दिस, व्हाट इज दिस? हाँ बताइए। स्पाइरल वाटर, स्पाइरल वाटर एंड बटरफ्लाई, हनी बी, वेरी बी। नहीं, ये बम बम बम्बली भी है, बम्बली भी।
बम्बली भी, देखिए बम्बली भी है, बम्बली भी, स्पाइडर बम्बली, ये तो आपको पता है क्या है? बटरफ्लाई। नो, ये ग्रीन वाला तो पता है बेटा, सब भूल गए क्या? नहीं, ये बताइए, ये नहीं मम्मा, स्पाइडर कीला, कीला कीला नहीं है, ये क्रिकेट है, क्रिकेट, स्पाइडर क्रिकेट एंड बटरफ्लाई, हनी बी, हनी बी, नो अभी क्या बताया था, बम्बली बी, हनी बी, बम्बली, हाँ ये क्या है, टिप्पणी, नो ग्रास हॉपर, ये आपके ग्रास में होता है ना ये कीड़ा, ग्रास हॉपर, दिस इज ऑल्सो इंसेक्ट, ये काट लेता है, हाँ ये ग्रास में रहता है, ये क्या है, ये भी आपको पता है? नहीं, लेडी बर्ड, नहीं ये हनी बी, हाँ किलो, इंसेक्ट होता है, और व्हाट इज दिस, व्हाट इज दिस, लेडी बर्ड, लेडी बर्ड, हाँ ये क्या, मोट, मोट, और ये क्या है, नहीं ड्रैगन फ्लाई, मुझे पढ़ने भी नहीं देती है, अच्छा सॉरी, किलो ये भी तो कीड़ा है, कीड़ा हनी बी, मोटीटो ये काट देता है, मोटीटो एंड कॉकरोच, ये एंड व्हाट इज दिस, स्पेलिंग बोलिए आप, ए ए, हाँ ए, हाँ पी पी, नो एन ए एन टी, क्या होता है, ए एन टी, ए एन टी, एंड कॉकरोच की फैलिंग, ही ओ ही के, वो आर है बेटा, आर है, नहीं मम्मा मुझे इतने भी पन्ने भी नहीं देते, अच्छा चाचा मार के, बैड मैनर्स ही हूँ, शी ओ ही के आर, प्रशो को खाना खिला दिया, अब जा रहे हैं उसको स्कूल आने के लिए, चलिए ये ब्लॉग को यहीं पे ख़त्म करते हैं, मिलते हैं नए ब्लॉग के साथ, बाय, गुड नाइट, एंड सब्सक्राइब माय चैनल।